Hello everyone. So today date is 16th February and 2024. We are going to solve some PYQs of thermodynamics chapter. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि direct question solve करने से पहले हम थोड़े से जो है इस chapter का थोड़ा सा basics clear कर लेते हैं. मैं आपको इस chapter का जो है एक overview दे देती हूँ ताकि अब आगे जैसे ही हम PYQ solve करने चलेंगे तो हमें जो है वो चीज़ें समझ आने लगेंगी. ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा chapter को revise करते हैं. चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है. थर्मोडायनेमिक्स आप जानते भी होंगे, ये केमिस्ट्री में भी हमारे पास चैप्टर होता है. ठीक है, तो इतना ज़्यादा मैं मुश्किल भी नहीं कहूँगी, इतना आसान भी नहीं, क्योंकि चीज़ें इसमें भी आपको थोड़ी सी समझने के साथ साथ याद भी रखनी पड़ेंगी. वो अभी जैसे कि मैं आपको बताऊंगी उस हिसाब से आप देख लेना. सबसे पहला टर्म यहाँ पे मैं आपको समझाने वाली हूँ, थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ. व्हेन ऑल मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो यानी कि बहुत, जो एक माइक्रो होता है एक मैक्रो होता है, माइक्रो बहुत छोटे होते हैं, मैक्रो उनसे थोड़े से बड़े हों साइज में, जब सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं देखो, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और एनियन नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी किस्में आती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में, आर कॉन्स्टेंट. ये जब कॉन्स्टेंट रहें और एंड डू नॉट चेंज विद टाइम, और टाइम के साथ ये बदले ना, डू नॉट चेंज विद टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं. जब जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स, सभी कॉन्स्टेंट रहे और टाइम के साथ किसी में भी चेंज ना आए, तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. देखो जैसे कि ये मैं बना के दिखा देती हूँ आपको कुछ. ये क्या है, एक इंसुलेटेड बॉडी है. इंसुलेटेड बॉडी का क्या मतलब है, यानी कि एडियाबेटिक. इंसुलेटेड बॉडी को आप एडियाबेटिक भी बोल सकते हो. और इसमें कौन सा वो लगता है, आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला याद रखोगे. इंसुलेटेड बॉडी में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो जीरो होता है, यानी कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता. ठीक है, सराउंडिंग से इनर अपना कहीं पे भी, वो फुल्ली क्या है, इंसुलेटेड है. और बॉडी इज सेट टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम अगर इंसुलेटेड कम्प्लीटली आइसोलेटेड सिस्टम होगा, यानी कि इंसुलेटेड अगर कोई भी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली इंसुलेटेड है, तो उसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम जो है ला सकते हैं. क्यों, क्योंकि बात तो वही है ना, डू नॉट चेंज विद टाइम. अब जब इंसुलेटेड बॉडी होगी तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कॉन्स्टेंट जो जैसे इनिशियली था वो वैसे ही रहेगी, राइट, प्रॉपर्टी वो किसी में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो इसको अगर बॉडी इंसुलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है. ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट. In thermal equilibrium, दो bodies अगर contact में हो, कहाँ पे, thermal equilibrium में contact में हो, तो उस condition में क्या होगा. ये क्या है, एडियाबेटिक, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी. सॉरी, इंसुलेटिंग बॉडी तो क्या ही है, इसकी ये आउटर जो लेयर है, तो इसका मतलब तो साफ है, बाहर की जो ये वॉल है, इसको कुछ भी कंसिडर कर लो, जो कवरिंग है ये इंसुलेटिंग है, यानी कि चेंज तो नहीं आने वाला. अब अंदर मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ पे पी वन जो है प्रेशर है, वी वन वॉल्यूम है, टी वन टेम्परेचर है, इसमें क्या है, ये पी टू, वी टू और टी टू है, राइट. सो क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन हमें दे रखी है, टी वन ग्रेटर देन टी टू है, ठीक है, टेम्परेचर वन, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ये मूवमेंट होगी, यानी कि जो हीट है वो ए टू बी वाले में पास होगी, यानी ये, और ये क्या है जो आपको बीच में ये मैंने बनाया है, ये है कंडक्टिंग, ये मेम्ब्रेन से जो दिख रही है कंडक्टिंग, या इसको हम डायथर्मिक
या फिर मूवेबल मेम्ब्रेन कंसिडर कर सकते हैं। कंडक्टिंग का क्या मतलब है, जो हीट या एनर्जी के एक्सचेंज को अलाउ करे। तो यहाँ से क्या है, ए से बी में हीट का एक्सचेंज यानी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ आपको, इनिशियली जो भी यहाँ पे चीजें हुई उसको मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। इनिशियली ए और बी, ये क्या था, P1, P1, V1, T1, P2, V2, T2। फाइनली हीट जो है वो फ्लो करेगी A to B में। कब तक फ्लो करेगी, जब तक A और B के पास सेम टेम्परेचर नहीं हो जाता, हैव सेम टेम्परेचर। सो A B, ये P1, V1, T1, P2, V2, T2, ये क्या है, दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन, दो बॉडीज के बीच में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यहाँ पे इस डायथर्मिक मेम्ब्रेन के कारण तो इनका हीट का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो तो फुल्ली इंसुलेटेड है, यानी कि बाहर से कोई भी हीट या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, ये बात यहाँ पे कही गई है। उसके बाद इसको इरेज करके जीरोथ लो के बारे में थोड़ा समझते, काफी छोटा है टॉपिक सब बिल्कुल एनसीईआरटी में, उसको भी देख लेंगे, उसके ऊपर पीवाईक्यूज हमें मिल जाते हैं। जीरोस लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो मैं यहां पे पहले दो स्टेटमेंट लिख रही हूं, ए एंड सी कैप्ट इन कॉन्टेक्ट, ए और सी को कॉन्टेक्ट में रखा गया डायथर्मिक में, कौन से कंडीशन, डायथर्मिक जो मैंने बताया था, जो अलाउ करती है कंडक्टिंग वाले में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ए और सी जो हैं विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और सी क्या मतलब कहां पे आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि हम बोल सकते हैं मतलब दोनों अपना जो है उसमें कॉन्स्टेंट वैल्यूज हो जाएंगे ऑब्वियसली उनकी। तो टेम्परेचर ए इज इक्वल टू टेम्परेचर सी इज इक्वल टू टी, ये कंडीशन हमारे पास हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, टी बी इज इक्वल टू टी सी, राइट। सो दस ए और बी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, टी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर ए और सी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई तो हम बोल सकते हैं बी बी भी तो बीच में आती है ना इनके, तो बी बी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन कर लेती है। ये होता है जीरोथ लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके कारण तीनों जो हैं वो क्या आ जाएं, एक थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अटेन कर ले बेसिकली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ए है टेम्परेचर सी, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, सो ये क्या होंगे, अटेन कर लेंगे उसको। अब यहां पे इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, यानी U से हम इसको डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है मॉलिक्यूल्स की, ड्यू टू इंटर मोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच की, उसकी वजह से क्या होती है ये अपना पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये किस वजह से होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ
ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का बता दिया है, तो ये आपको यहीं से याद रख के चलना है। हाँ, अब छोटे छोटे पॉइंट्स देखो, ये ध्यान रखने हैं। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पीवी इक्वल टू एनआरटी। फॉर एन आइडियल गैस एट रेस्ट, अगर एक आइडियल गैस रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या है, वो कंटेनर जो है वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा, कंटेनर एट रेस्ट। टोटल एनर्जी जो होती है गैस की वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी के, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। आइडियल गैस इज इक्वल टू, कोई भी, ये चीज याद रखोगे, आइडियल गैस में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यानी कि आप बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी वहां पे होती है। ऑब्वियसली एक आइडियल गैस में क्या कभी भी मॉलिक्यूल्स जो है रेस्ट पे हो सकते हैं, नहीं, तो इस वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, राइट। सो लेकिन उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें जीरो होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बेसिकली बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता देती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन में कहीं पे भी दे रखा हो कि आइडियल गैस का जिक्र है, तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा आप काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कंसीडर करोगे और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पॉइंट मैंने बोला, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी आइडियल गैस है उसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी उस केस में जीरो होगी। बस ये चीज याद रख लेना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने हिंदी में जो पॉइंट बोला उसको ध्यान रखना है, ये चीजें इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। काफी अच्छा टॉपिक है ये भी, इसमें जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, डी ओ एफ जो है, इसको हम आगे क्वेश्चंस वगैरह में भी आप देखोगे डी ओ एफ इसकी शॉर्ट फॉर्म के तौर पे हम इसको यूज करेंगे। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, इन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्या बोला है मैंने, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे इससे है, यहाँ पे अब हम मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉली एटॉमिक, ये जो है गैसेस पढ़ेंगे, इसमें इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं खास तौर पर, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो हम मोनो एटॉमिक से शुरुआत करेंगे। मोनो एटॉमिक गैस, इसमें जितनी भी नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम और आर्गन, हीलियम, यहाँ पे हमारे पास आर्गन, निकल वगैरह, ये सब किसमें आती है, नोबल गैसेस में, यानी कि इनका जो डी ओ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो थ्री ट्रांसलेशनल होता है। याद रखना है ये चीजें आपको, थ्री ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, देखो एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, और जो जेड एक्सिस में, तीनों में ये पॉसिबल है, राइट। सो ये हमारे पास क्या होगा, थ्री ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे। इसमें जो है हमारे पास कोई भी रोटेशनल जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता मोनोटोमिक में, याद रखोगे रोटेशनल डी ओ एफ नहीं होता। सो एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, तीन ही आती है। हाई टेम्परेचर पे जो है प्लस टू वाइब्रेशन, ये हमारे पास नहीं है टॉपिक में, तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखोगे मोनोटोमिक के लिए जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, तीन होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डायटोमिक गैस,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब आती है डायटोमिक एसिड में। तीन ट्रांसलेशनल DOF होती है इनकी और दो रोटेशनल होती हैं। दो रोटेशनल याद रखोगे, तीन इसमें कैसी होती हैं, ट्रांसलेशनल। ठीक है, ये डाटा याद रखते चलो खाली। सो टोटल इसका DOF कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 हो गई इसकी। पॉलीएटोमिक की बात कर लेंगे अब। एग्जाम्पल इसके आपको याद रखनी है, पॉलीएटोमिक या इसका दूसरा नाम होता है ट्रायएटोमिक। ये दो प्रकार की होती है, लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर वाला हमारे जो है नीट में नहीं आएगा तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नॉन लीनियर में अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन ट्रांसलेशनल DOF होती हैं और तीन रोटेशनल, यानी कि टोटल इसका F की वैल्यू कितनी होगी, 6 होती है। तो जितनी भी बातें आप मैंने आपको इससे रिलेटेड यहाँ पे समझाई हैं, बताई हैं, ये सब आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। या तो एग्जाम्पल पूछ लेंगे या इनका DOF पूछ लेंगे, चाहे वो रोटेशनल में पूछे चाहे वो उसमें अपना ट्रांसलेशनल में पूछे। बस ये चीज़ें यहाँ पे इसमें से हमारे पास क्वेश्चन के तौर पे पुट आउट होकर आती हैं। आगे देखेंगे अब इसको इरेज करके। नेक्स्ट टॉपिक इज लो ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लो ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, जो देखो क्या बोला गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो कि DOF से एसोसिएटेड होती है किसी भी मॉलिक्यूल के, ऑफ अ मॉलिक्यूल कितनी होती है, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ के टी, याद रखनी है चीज़ आपको, जहाँ पे वेयर के इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपोन एन, एंड टी इज मेजर्ड इन टेम्परेचर, ऑब्वियसली आप जानते हो केल्विन में मेजर किया जाता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं के इज इक्वल टू आर अपोन एन, ये जो मैंने लिख ही दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं वर्बली आपको दो चार बातें बता देती हूँ जो कि क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से थोड़ी सी ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जो टॉपिक हमारे पास है, समझने वाला कम है, याद रखने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल की आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में एफ अपॉन टू के टी, ये फॉर्मूला आप उस केस में यूज करते हो। आर के प्लेस पे जो भी एफ की वैल्यू हो वो यहाँ पे आप पुट करते हो उसको। के जो मैंने यहाँ पे बताया, ये क्या होता है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, इसको क्या बोला जाता है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट होता है ये। ठीक है, जैसे कि वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करी जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू एफ अपॉन टू के टी, यहाँ पे n इंटू एफ अपॉन टू, के प्लेस पे क्या आ जाएगा, r अपॉन n इंटू टी, n से n यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी एक मोल ऑफ आइडियल गैस की फॉर्मूला होता है एफ अपॉन टू आर टी, जो मैंने पीछे बताया क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस एफ अपॉन आर F अपॉन टू आर टी, ये है, याद रखना है आपको। और अगर यहाँ पे n मोल्स ऑफ गैस की बात करी जाए, तो आप समझदार हो, आपको पता है सिंपल, यहाँ पे n पुट करके जो भी दे रखा हो नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला आप उस केस में यूज करोगे। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में, किसके, n मोल्स की, n मोल्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं पूरा चैप्टर एक बार आपको जो है रिवाइज करा रही हूँ, आप ये बोल सकते हो, ठीक है, सारी चीजें बेसिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला अभी मैंने आपको इसका बताया था। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं केल्विन में, राइट। सो यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ टू, ये तो दो बार रिपीट कर दिया, तो आप इसको लिख सकते हो। चेंज की जब बात करते हो तो हम डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज की बात हो रही है, एन एफ अपॉन टू आर टेम्परेचर को डेल्टा टी। ये आपके पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। देखो आइडियल गैस के केस में बात करें तो आप जानते हो इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। ये हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन मोल्स, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ अपॉन टू आर डेल्टा टी। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो हमारे पास है स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी का। ऊपर से शुरुआत करेंगे ताकि रेज कम करना पड़े हमको। स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले यही समझेंगे। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, या ये ऑफ यूनिट मास होता है, ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास के केस में हम स्पेसिफिक हीट को यूज करते हैं इसके फॉर्मूले को। सी को हम बाहर ले लेंगे, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये होता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मास वाले, ये आप इसको याद रख सकते हो मास वाले कंटेक्स्ट में, ठीक है। यूनिट मास, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। क्या बोला है, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है टेम्परेचर एक मोल ऑफ गैस जो होते हैं उसके टेम्परेचर को रेज करने के लिए बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, वहां पे एम था यहाँ पे एन है, यानी कि सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा सी। डिफरेंस इसमें सिर्फ इसमें एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको याद रखोगे मोल वाले जो है इससे इसको याद रखना, और मास जहाँ पे आ जाए एम, यानी कि वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप देखो आगे बता दिया मैंने दोनों का सेपरेटली, अब इनको थोड़ा सा मर्ज करके देखते हैं। सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एन डेल्टा टी गिव्स डेल्टा क्यू अपॉन एन क्या होता है, नंबर मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास डेल्टा टी। सो हम इस एम को जो बाहर निकाल लेंगे, एम डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाएगा एम सी। क्या आ जाएगा, सिंपली ये एम और ये सी, ये किसका हो गया हमारे पास, ये पीछे वाले इसका, ये सी तो है ना यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, एम इज इक्वल टू एम सी, यानी कि हम बोल सकते हैं सी इज इक्वल टू एम कैपिटल स्मॉल सी, यानी कि एम क्या है, ये मोलर मास होता है, सी क्या है, ये जो मास वाला हमने किया था अभी फॉर्म, मास वाली लिख रही हूँ मैं यहाँ पे ताकि मास वाली और मोल वाली से आप इसको याद रख सको, और सी यहाँ पे क्या है, मोल वाली, राइट। तो ये इनके बीच का रिलेशन है जो मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट मैंने अलग अलग भी बता दिया है, उनके बीच का यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया है। अब बात करेंगे सीवी और सीपी, ये दो टर्म क्या होती है, कैसे क्या है, इनके बारे में अब यहाँ पे बात करेंगे हम। सीपी एंड सीवी, सबसे पहले अगर मैं सीवी की बात करूं तो ये क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसको हम सीवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली गैस को हीट करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसमें क्या होता है सीवी पे, आप गैस में हिंदी में लिख के बता रही हूं, बिल्कुल गैस को हीट करें कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। बेसिकली कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो गैस को हीट प्रोवाइड की जाती है वो सीवी उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू वी, यानी कि जो हीट हमारे पास यहाँ पे होता है इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी।
क्या होगा, डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ये हीट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ये डेल्टा टी टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है सारी चीजें। सीपी की बात करेंगे, सीपी क्या होता है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसको सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा क्यू पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ये हमारे पास यहाँ पे होता है। देखो CV and CP in terms of F। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में दोनों को मैंने आपको अलग अलग बता दिया, अब यहाँ पे हम इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के कंटेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें इसके फॉर्मूले क्या निकल के आते हैं। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर मैंने बताया था CV इज इक्वल टू F अपॉन 2R, ये इसमें होता है हमारे पास CV का, और CP का याद रखोगे इज इक्वल टू F अपॉन 2 प्लस 1 इंटू आर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। सो इनके रिलेशन के कंटेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R क्या होता है आपको पता होगा, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ये जो CP माइनस CV वाला फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, ये हर एक गैसेज मतलब कोई भी किसी भी प्रकार की गैस हो, आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए क्या है, ये वैलिड रहेगा। यहाँ पे मैं मोनो डाई और ट्राइटोमिक तीनों की जो है आपको सीवी और सीपी के अनुसार इसका फॉर्मूला या वैल्यू बता देती हूँ कैसे क्या होगा, ताकि एक बिल्कुल आपको क्लीन नॉलेज आपको मिलती रहे, इसके कोई मैस आपके माइंड में क्रिएट ना हो इससे रिलेटेड। जैसे कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और फिर एक बार इसका मैं आपको जितना भी करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा समराइज करते जाएंगे, एक तरीके से मैं आपको पीवाईक्यूज के साथ यहाँ पे चैप्टर समझा रही हूँ पूरा का पूरा। पीवाईक्यूज कम है, इतने नहीं है इसके हमारे पास, ठीक है। F इज इक्वल टू 3, इसका हमारे पास कितना था, F इज इक्वल टू 5, यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 था, राइट। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार आपको बोला था कि याद रख लेना। CV इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होगा 3 अपॉन 2 R, और यहाँ पे इसके केस में 5, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 है, 3 पुट करो, 5 का 5 पुट करो, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे आप ये पुट करो, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, 3R आएगा इसका। CP कंटेस्ट में क्या करोगे, इसका आपको जितना दे रखा उसका 2 बढ़ा देना है, बात खत्म, ठीक है। जितना दे रखा उसका 2 बढ़ा दो, याद रखना, देखो किसी भी प्रकार से आपकी मर्जी है, याद रखने वाली बात है अभी, ठीक है। ये 8 अपॉन 2 आर, ये 4 हो गया, यानी कि हो गया 4R। इस कंटेक्स्ट में आप अब इसको याद रखोगे। आगे बात करते हैं, CP और CV के जो है रिलेशन को आगे समझते हैं थोड़ा सा डिवाइडिंग में। CP CV, देखो CP अपॉन CV इज इक्वल टू, इसका दोनों का फॉर्मूला लिखो जो कि मैंने आपको बताया था, जो भी होता है हमारा R से R गया, सो और मैं आपको बता दूं CV अपॉन CV इज इक्वल टू गामा होता है, यानी कि, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। दोनों चीजें बेसिक यहाँ पे लिख दिए, याद रखोगे CP अगर डिवाइड में CV के साथ तो गामा इज इक्वल टू गामा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। डिवाइड करो इसको, डिवाइड बाय F अपॉन 2 इज इक्वल टू CP अपॉन CV इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन F अपॉन 2, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे कटवट के एलसीएम लेके हमारे पास यार डिवाइड करना आपको एफ अपॉन 2 से इसको बेसिकली, सो सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन एफ, यानी कि हम लिख सकते हैं सीपी अपॉन सीवी मैंने क्या बताया था गामा होता, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एफ, ये एक और फॉर्मूला हमारे पास इसका आ गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं इस गामा की बात करूं, अगर ये आपसे पूछा जाए मोनो डाई और ट्रायटोमिक गैस के कंटेक्स्ट में, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो होता है गामा की वैल्यू मोनोटोमिक की होती है, ये डाटा सॉरी ये ऑर्डर याद रख लेना ऐसे ही। फिर हमारे पास आती है डायटोमिक, देन ट्रायटोमिक, ये इसका ऑर्डर होता है। अब जितने भी मैंने आपको फॉर्मूलेज बताए हैं अभी तक जो भी हमने किया, मैं सोच रही हूँ एक बार वो एक जगह लिख के थोड़ा समराइज करा देती हूँ, ताकि काफी इजी लगेगा फिर हमें, वो थोड़ा सा समराइज कर लेंगे एक बार उसको।
चलो इतना तो काफी इरेज करना। सबसे पहले मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई जो 3, 5, 6, 3 प्रकार के हमारे पास होते हैं। फिर हमने इंटरनल एनर्जी की बात करी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड मोल्स के कॉन्टेक्स्ट में इसके इक्वल होता है, फॉर्मूला होता है Nf/2RT। उसके बाद डेल्टा यू चेंज के जब हम बात करते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, आपको याद रखनी है चीजें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम फिर सीवी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, इज इक्वल टू Fe/2, ये इसका फॉर्मूला था। सीपी का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू Fe/2+1RE, ये हमारे पास सीपी का फॉर्मूला था। उसके बाद हमने इनके रिलेशन में बात की थी, Cp-Cv=R आ जाएगा, यानी ये मोलर के केस में, और मास के केस में Cp-Cv=R/m, ये जो मास वाला था उसके कॉन्टेक्स्ट में ये फॉर्मूला था इसका। उसके बाद जब हमने इसको डिवाइड में देखा था Cp/Cv को, वो इज इक्वल टू गामा था, इज इक्वल टू 1+2F, ये हमने निकाल लिया था। और गामा की वैल्यू तीनों के मोनो के केस में 5/3 थी, डाई के केस में 7/5 थी, और उसके केस में 8/6 थी, किसके केस में, पोली के केस में। उसके बाद सीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R/γ-1, ये गामा के कंटेक्स्ट में फॉर्मूला, और सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, γ/R/γ-1, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला था। और न्यूमेरिकल पर्पज के लिए एक बता देती हूँ, अगर DOF निकालना आपको दे दे, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बता रही हूँ ये मैं आपको, तो उस कंटेक्स्ट में जो हमारे पास इसका फॉर्मूला आप यूज करते हो, F=2/γ-1, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है जो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यूज करते हो। अब यहाँ तक पूरा जो अब तक मैंने बताया था, सारा बेसिक मैंने आपको इसका बता दिया है। अब आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक की शुरुआत हम कर सकते हैं, जो कि हमारे पास है वर्क इंटरनल एनर्जी हीट इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क की अगर बात करी जाए थर्मोडायनेमिक्स, अब थोड़ी सी स्पीड से हम काम करेंगे। वर्क की अगर बात करी जाए थर्मोडायनेमिक्स में, उसका फॉर्मूला होता है P∆V, यानी कि P और डेल्टा वी V2-V1, प्रेशर वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर जो है इसमें कॉन्स्टेंट रहेगा, सो वी कैन से इसका इंटीग्रेशन करेंगे W=PdV, ठीक है, V, volume 1 to volume 2, ऑलवेज वैलिड। ये वर्क का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहता है, फॉर्मूले अब याद करते चलो। साइन ऑफ वर्क की बात करी जाए W=P∆V, ये हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला, ये हो गया P∆V। इसमें साइंस की अगर बात करें, ∆V की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये चीज मायने रखेंगे, यहां याद रखोगे, ∆V की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब याद रखोगे एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि एक्सपेंशन का क्या मतलब है, वर्क डन बाय गैस के द्वारा काम करा किया गया है, ये पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क डन भी एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ रही है, और वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, ये चीज याद रखोगे। अगर नेगेटिव है हमारे पास ये, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, उसका कंप्रेशन हुआ, वर्क डन ओन गैस, गैस के ऊपर काम किया गया बाय आए, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन हो रहा है। अगर वर्क डन ओन गैस है तो यानी कि नेगेटिव हमारे पास आएगा, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव, वॉल्यूम कम होती है और वर्क डन नेगेटिव होता है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर आप मैं यूनिट्स की बात करूँ, किसकी, प्रेशर वॉल्यूम और वर्क की यूनिट की बात करी जाए, प्रेशर वॉल्यूम एंड वर्क की यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ, तो क्या होता है, W=P∆V, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, पी प्रेशर की क्या होती है, पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ये भी हो सकती है, डेल्टा वी की यानी वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई। यानी कि और मैं दूसरा बताऊं किसकी, W=P∆V, दूसरी एक और यूनिट हो सकती है इसमें वर्क डन, जैसे ATM लीटर हो, प्रेशर की एटमोस्फेरिक ATM, और डेल्टा वी लीटर, सो इसकी हमारे पास क्या हो गया, सर यूनिट ATM × लीटर × 101.5 यानी अप्रोक्सीमेट 2 जूल, ये हमारे पास होती है बेसिकली, ये इसकी SI यूनिट हो गई, और ये इसकी क्या है, कॉमन यूनिट्स होती हैं। हाँ, और बातें सुनो थोड़ी सी, दो चार अच्छी इसमें, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन हमेशा पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास ग्राफ की फॉर्म में या कैसे भी आगे आपको देखने को मिलेंगे। वर्क डन इज ऑलवेज पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन हमेशा पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसा पाथ फॉलो किया गया, कोई स्टेट फंक्शन नहीं होता ये, पाथ डिपेंडेंट, नॉट अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन नहीं होता, मतलब कि डिपेंड्स ओनली ऑन स्टेट, डिपेंड्स ऑन स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, इसका क्या मतलब है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल
एंड फाइनल स्टेट, फाइनल जो इसकी इनिशियल है और जो फाइनल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये कि किस प्रकार की स्टेट है। तो ये एक स्टेट फंक्शन नहीं होता, मतलब बेसिकली स्टेट फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई, स्टेट फंक्शन वो होता है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करके इनिशियल कैसी थी फाइनल कैसी थी। लेकिन मैंने वर्क क्या बताया आपको, पाथ डिपेंडेंट, तो ये किस प्रकार का पाथ इसने जो है लिया उसके ऊपर वर्क डिपेंड करता है कि ऐसा सर्कुलर है, जिगजैग है, लीनियर है या फिर पैराबोलिक है, जिस भी प्रकार का पाथ है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि अब मैं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस में बात करूं तो ऑब्वियसली ये तो स्टेट फंक्शन है नहीं, तो वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। यानी कि अगर याद रखोगे, अगर इसमें जैसे कि मान लो ये है, ये ग्राफ हमारे पास दे रखा है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये कुछ इस प्रकार जो है अपनी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। ये प्रेशर और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे कुछ मान लो आप, जैसे ये हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साइकिल चलेगी तो हमेशा याद रखोगे वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आपने देखा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो यानी कि वर्क डन नेगेटिव है। ये चीजें याद रखने की है। उसके बाद आप बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, बात करेंगे आइडियल गैस के लिए, यानी कि फोर एन मोल्स, एन मोल्स के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे। अब इसकी यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है यू इज इक्वल टू एन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो कि अभी हम करके आए हैं। सो फॉर्मूला यू इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका हमारे पास क्या आ जाएगा एन, एफ अपॉन टू क्या होगा सीवी, एफ अपॉन टू आर ये किसका होता है सीवी का, सीवी इज इक्वल टू, तो ये एन सीवी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है ऑलवेज वैलिड इंटरनल एनर्जी का। ये फॉर्मूला आइडियल गैसेज के लिए एन मोल्स के कंटेक्स्ट में हमेशा ट्रू होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन सी वी डेल, और चेंज की बात करी जा रही है तो यहाँ पे डेल्टा लगा दो, यहाँ पे भी डेल्टा लगा दो, यहाँ पे भी डेल्टा लगा दो, दैट इज इट, ठीक है। और अगर मैं अब जो है और थोड़ी इसके बारे में बताई, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, यानी कि अपनी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसकी फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, याद रखने वाली चीजें हैं। और ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है, मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऑब्वियसली अगर स्टेट फंक्शन है तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट। और अगर मैं डेल्टा यू की बात करूं, एक क्लोज्ड साइकिल, आपको क्लोज्ड साइकिल दे रखी है और डेल्टा यू की वैल्यू पूछ ली बिना सोचे समझे जीरो, ठीक है, बिना सोचे समझे जीरो वहां पे ऑप्शन में दे रखा हो, आपको टिक देना है। इजी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे मैं बता रही हूं आपको। अब हीट की बात कर लेते हैं, सारे फैक्टर थोड़े थोड़े हम समझ रहे हैं तो हीट की भी बात करेंगे यहाँ पे। हीट की बात करेंगे अब यहाँ पे हम, यानी कि डेल्टा क्यू, ये एक स्टेट फंक्शन नहीं होता, नोट आ स्टेट फंक्शन। स्पेसिफिक हीट के केस में बात करें जाए और मोलर वाले में, तो ये तो फॉर्मूला आपको पता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो डेल्टा क्यू की वैल्यू होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होती है एन सी वी डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर पे बात करी जाए तो एन सी पी डेल्टा टी, बस ये फॉर्मूला याद रखने हैं। साइन की बात करूँ हीट के, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हीट गिवन टू सिस्टम, ऐसा कुछ दे रखा हो क्वेश्चन में, हीट गिवन टू सिस्टम की सिस्टम को हीट दी गई है, ठीक है, यानी कि गैस या सिस्टम को, तो क्यू उस केस में, यानी हीट क्या होगा पॉजिटिव। अगर हीट
गिवन बाय, अगर सिस्टम के द्वारा दी गई है, ऑब्वियसली अगर किसी ने किसी को कुछ दिया है तो लॉस हो रहा उधर, तो उस केस में क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे हमने सारी कॉमन बातें कर ली है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूं इसका, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये फॉर्मूला है जो कि आपको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक के अनुसार याद रखना है। डेल्टा क्यू क्या है, हीट गिवन टू गैस, वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय गैस, सारी चीजें लिख रही हूं याद रखोगे आप। इंक्रीज डेल्टा यू क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू, तीनों की चीजें, तीनों जो है आपको वैल्यू साइन के साथ पुट करनी है, हमेशा याद रखोगे क्वेश्चन में। थर्मोडायनेमिक्स में साइंस का काफी ज्यादा जो है महत्व होता है। अब टाइप ऑफ प्रोसेस की बात कर लूं, थर्मोडायनेमिक में किस किस प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, पढ़ के भी आए होंगे। आइसोबारिक यानी कि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। दूसरा हमारे पास होता है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। उसके बाद आता है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। देन वी हैव एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, चेंज जो मतलब कि हीट का जो होता है वो जीरो होता है। अब थोड़ा सा इन चारों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इंडिविजुअली, कैसे क्या होता है इसमें, क्या इनका ग्राफ बनता है, क्या कुछ है वो एक बार देख लेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आइसोबारिक, क्या बताया था मैंने आइसोबारिक में, प्रेशर कांस्टेंट, राइट। सो आइडियल गैस का फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इजी है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेस। सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये गैस कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, और ये चार्ल्स लो को भी फॉलो करता है जो कि केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, चार्ल्स लो। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू के टी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम के यूज करते हैं। सो वी अपॉन टी इज इक्वल टू वट कॉन्स्टेंट, यहाँ पे फॉर्मूला आता है वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन टी टू, ये होता है हमारे पास आइसोबारिक का फॉर्मूला। ग्राफ की अगर बात करी जाए, तीन प्रकार के ग्राफ इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, एक ये हो सकता है, ठीक है, प्रेशर वर्सेस का ऐसे स्ट्रेट लाइन लीनियर ग्राफ, एक आपके पास ऐसा ग्राफ हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का एक ग्राफ आपके पास कैसा हो सकता है, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है, बात कर चुके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर इसमें मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करी जाए, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले की, तो Cp इज इक्वल टू एफ अपॉन टू प्लस वन, ये फॉर्मूला था हमारे पास, R इज इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस वन, वो सारी चीजें पीछे वाली यहाँ पे रिपीट हो गई है, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डेल्टा क्यू होगा वो इसके कांस्टेंट प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एन सी पी डेल्टा टी, ये होगा। डेल्टा यू की बात करी जाए तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, ये तो हमेशा वैलिड रहता है, ऑलवेज वैलिड। वर्क डन की बात करी जाए तो डेल्टा क्यू पी माइनस डेल्टा यू, ये हमारे पास हो गया, यानी कि एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी वी डेल्टा टी, ये हमारे पास आएगा, यानी कि वर्क डन जो इस केस में हमारे पास आता है एन आर डेल्टा टी, ये निकल के आता है। इसके फॉर्मूलेज आप जो है याद रखते चलो, जो अंत में इसका रिजल्ट आ रहा है वो सारी चीजें। आइसोकोरिक की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा,
आइसोकोरिक, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू nRT, वही फॉर्मूला V यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी हमारे पास. सो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P इज इक्वल टू KT, वही सर जी P अपॉन T इज इक्वल टू K, यानी कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, वही पीछे की जैसा फॉर्मूला. ग्राफ की अगर बात करी जाए, ग्राफ इसमें याद रखते चलो जो मैं बता रही हूँ, तीन ग्राफ होंगे सारों में, ठीक है. ग्राफ आपको याद रखने जिस भी प्रकार का, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप देख पा रहे हो वॉल्यूम का कोई जिक्र ही नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है. दूसरे ग्राफ में देख लो टेम्परेचर, और ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, इसमें तो वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये भी इसको फॉलो कर रहा है ऑब्वियसली, जितना प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर उतना बढ़ेगा. तीसरा ग्राफ देख लो वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर का, इसमें क्या हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम आप देख पा रहे हो बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है, वॉल्यूम कांस्टेंट ही तो रहनी चाहिए, और टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इसमें हमारे पास कांस्टेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी ग्राफ इसके लिए वैलिड होगा. उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोथर्मल की. हाँ, इस केस में आइसोकोरिक वाले में वर्क डन हमेशा जीरो होता है, तो ये चीज आप याद रखें. पीछे वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, उसमें बारीक में अलग था, यहाँ पे जो है इसे आइसोकोरिक वाले कंटेक्स्ट में वर्क डन जो है जीरो होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोथर्मल की. नेक्स्ट हमारे पास है आइसोथर्मल. देखो वेरी वेरी स्लोली, काफी स्लो प्रोसेस है, टेम्परेचर इसमें कॉन्स्टेंट रहे, परफेक्टली कंडक्टिंग बाउंड्रीज होती हैं इसकी, आइसोलेटेड नहीं होती, कंडक्टिंग बाउंड्रीज होती हैं. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला होता है, पीवी यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट, यानी कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट होती है, सारी चीजें कॉन्स्टेंट, यानी P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वॉल्यूम, तो P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, वॉल्यूम बढ़ेगी प्रेशर कम होगा, ठीक है. ये चीज है, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. यहाँ पे इसके ग्राफ देख लो, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें ग्राफ याद रखने हैं आपको. देखो मान लो ये टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3, आइसोथर्मल्स. याद रखोगे टेम्परेचर 3 ग्रेटर देन टेम्परेचर 2 ग्रेटर देन टेम्परेचर 1, 3 का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है यहाँ पे हमारे पास, राइट. उसके बाद 2 फिर 1, ऐसे हमारे पास आएगा. उसके बाद दूसरा ग्राफ हमारे पास है वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर के, जो हमारे पास इस प्रकार का कुछ है, टेम्परेचर इसमें कॉन्स्टेंट आप देख पा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रही है. तीसरा हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर का है, इसमें भी क्या हो रहा है, देखो जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज. अभी तो इनवर्स वाला इसका मैंने आपको ये बताया था, याद रखोगे ये चीजें. वर्क डन का फॉर्मूला, अंत में ये चीजें याद रखनी है, nRT log E P1 अपॉन P2, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको इनके वर्क डन के तीनों के एंड में याद रखने, यानी कि आप लिख सकते हो nRT log V2 अपॉन V1, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है. ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं. इसमें डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा, यानी हीट इज इक्वल टू वर्क डन होती है, चेंज इन हीट, ये वर्क डन के इक्वल होते हैं, क्योंकि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है जो थर्मल में वो जीरो होता है. क्यों जीरो होता है, मैंने क्या बताया था, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रह रहा है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज थोड़ी आएगा, अल्टीमेटली ये जीरो होगा. तो ऐसे आपको रिलेट करके याद रखनी है. अब हम एडियाबेटिक की बात कर लेंगे जल्दी से, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. एडियाबेटिक में क्या होता है, एक वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, परफेक्टली इंसुलेटिंग बॉडी होती है, उस पीछे वाले का अपोजिट बेसिकली. हीट डज नॉट गेट एनी टाइम टू, मतलब कि इतनी मतलब कि इसमें इतना फास्ट होता है कि हीट को टाइम नहीं लगता कि वह एस्केप कर सके, इस वजह से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इसमें जीरो होता है. इसमें एक रिलेशन है, फॉर्मूला रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, ये आपको याद रखना, टीवी रेस्ट पर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला इसमें आपको याद रखना है. या फिर प्रेशर वाले कंटेक्स में P1 - A T γ इज इक्वल टू, ऐसे ही आपको आपसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है. ग्राफ की अगर बात करी जाए डायबिटिक के केस में, तो ये होता है एक वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है ये ऐसे, ठीक है. इसमें पी वी जो है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल टू, यानी कि बेसिकली हाँ ये याद रखोगे आप इसका, ठीक है.
आगे अगर मैं थोड़ा सा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है, जितना भी वर्क डन होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ये कहता है ये लॉ। और जो हीट है वो कभी भी कैनोट बी, वो पूरी हीट कभी भी वर्क डन में यूटिलाइज होती ही नहीं है, ये दो चीजें कहता है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि हमने काफी सारा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, अब हमें अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करना चाहिए। इतने क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले ही बहुत सारा चैप्टर का बेसिक पूरा बता दिया है, समझा दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्टीम में रूम टेम्परेचर के अंडर। ठीक है, मतलब कि अंडर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर जो हमें दे रखा है 1 × 10⁵ पास्कल, जो वॉल्यूम है स्टीम की फॉर्म्ड इक्वल, वो किसके इक्वल फॉर्म है, 1671 सेंटीमीटर क्यूब। अगर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का 2256 जूल पर ग्राम है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी लगने वाला है आपको। अभी पढ़ के ऐसा लगा क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है तो शायद से सोल्व करना ना आए, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है, 2256 × 1, ये हमें दे रखी है, तो कितना हो गया 2256 जूल। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, और चेंज इन वे अपना डेल्टा वी हमारे पास 2, यानी कि स्टीम की वॉल्यूम माइनस वॉटर की, राइट। सारी वैल्यूज पुट करोगे, प्रेशर दे रखा हमारे पास 1 × यहाँ पे 1051671 − 1 × 106 167 जूल, ये वैल्यूज आपको दे रखी है। तो एज आपको पता है फॉर्मूला डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फर्स्ट लो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 2256 हमारे पास आई इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस 167। डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना था, 2089 जूल यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि करेक्ट आंसर इसका हमारे पास क्या आया है, सी। नेक्स्ट देखिए, एक सैंपल 0.1 ग्राम ऑफ वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे और नॉर्मल प्रेशर पे, यानी 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर पर क्यूब रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट, कितनी 54 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम जो स्टीम है उसमें कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वॉल्यूम स्टीम प्रोड्यूस की कितनी है 167.1 cc, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सैंपल का ये हमें बताना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जितना बड़ा आपको ये दिख रहा है, एक फॉर्मूले का क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का यूज करोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला, दैट्स इट। क्यू कितना दे रखा है 54, बस ये पता होना चाहिए कि वैल्यूज में दे क्या क्या चीजें रखी है, इनटू वर्क डन कितना है हमारे पास 54 × 4.18, ये हमारे पास क्या है, इसकी हीट है। ठीक है, आगे देखो, डेल्टा यू प्लस 1.013 नॉर्मल प्रेशर है इनटू 10⁵, यानी कि जब आप सोल्व करोगे डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 208.7 जूल, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी, एक सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट सी पर लेकर जाया गया बाय दो पाथ के जरिए, एक ADC और एक ABC, जैसे कि आगे फिगर में दिखा रखा होगा। इंटरनल एनर्जी जो है एट ए के ऊपर इंटरनल एनर्जी कितनी है 10 जूल अलोंग द पाथ ADC पाथ के अलोंग अगर बात करी जाए, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है यानी कि पार्शियल Q1 वो कितनी है 50 जूल, और जो वर्क डन है यानी कि पार्शियल वर्क डन वो कितना है 20 जूल। वेयर इज अलोंग द पाथ ABC, मतलब पाथ ABC के अलोंग जो हीट एब्जॉर्ब्ड है यानी Q2 वो 36 जूल है। अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है अलोंग द पाथ ABC पाथ के अलोंग वर्क डन कितना होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है ABC के अलोंग। ठीक है, तो देखो स्पेस बना के थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। डेल्टा क्यू ADC की बात करें सबसे पहले, तो इसमें क्या आएगा, डेल्टा यू ऑफ ADC प्लस डब्ल्यू ADC। ठीक है, पहले ADC पाथ की बात करें, जिसमें हमें 50 जूल दे रखा है, डेल्टा यू ADC वर्क डन इसमें 20 जूल दे रखा है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, तो डेल्टा यू जो आएगी इंटरनल एनर्जी ADC की वो कितनी आ जाएगी 30 जूल। अगेन हम ABC के ऐसे ABC के कॉन्टेक्स्ट में निकाल लेंगे, अब ऐसे क्यू
ए बी सी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी सी प्लस डब्ल्यू यानी वर्क डन ए बी सी. सो वर्क डन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू क्यू ए बी सी माइनस डेल्टा यू ए बी सी. यानी कि हम कह सकते हैं क्यू ए बी सी माइनस डेल्टा यू ए डी सी. ठीक है, ए बी सी. उसके बाद इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 जूल माइनस यहाँ पे ए डी सी आएगा क्योंकि ए डी सी अभी हमने निकाला है 30 जूल. तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा वर्क डन ए बी सी इज इक्वल टू 6 जूल. ये आ गया आंसर. ठीक है, बिल्कुल दोनों का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना था और यहाँ पे आंसर हमारे पास इसका आ गया है 6 जूल. नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल गैस जो है गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी. ठीक है, ए से बी स्टेट की तरफ आइडियल गैस ने मूव किया है 3 डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू एज इंडिकेटेड इन द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. जैसे कि हमें यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के डायग्राम में दिखा रखा है. ठीक है, पाथ 1 ए टू बी, पाथ 2 ए टू बी, ठीक है, पाथ 3. ये 3 पाथ हमारे पास यहाँ पे गिवन है. अगर Q1, Q2 और Q3 इंडिकेट करता है हीट एब्जॉर्ब बाय गैस के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब करी गई है उसको Q1, Q2 और Q3 के तौर पे इंडिकेट यहाँ पे किया जा रहा है अलोंग द 3 प्रोसेस के थ्रू और डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 इनकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिस्पेक्टिवली इंडिकेट कर रही है, देन तो क्या रिलेशन इनके बीच में होगा, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया. तो स्पेस बना के इसको सोल्व करते हैं. देखो, इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है वो तीनों के लिए सेम है, राइट. इनिशियल और फाइनल कंडीशन तीनों के लिए सेम है, तो डेल्टा यू1 इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तीनों की कॉन्स्टेंट रहेगी. तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ये होगा वर्क डन की अगर बात करी जाए तो पहले पाथ के द्वारा ज्यादा वर्क डन किया गया ऐसे जो ये हुआ है. ठीक है, फिर हमारे पास आएगा सेकेंड, ये डायग्राम के अनुसार ये इसके द्वारा कम हुआ. फिर हमारे पास थर्ड, ठीक है, लीस्ट वर्क डन किसके द्वारा, थर्ड के द्वारा. ये इस प्रकार ये हमारे पास इस डायग्राम के अनुसार हमने ऐसी बात की है. तो अगर वर्क डन जो है वन के द्वारा ज्यादा किया गया तो हीट भी तो उसमें ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. तो Q1, Q2 और Q3 ये हमारे पास आए, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका देख लेंगे. अब क्या होगा, हाँ, Q1, Q2, Q3 ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और ये जो इंटरनल एनर्जी वाली कंसेप्ट है ये बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा. तो ये तो बिल्कुल दो ऑप्शन तो नहीं आने थे, फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो सकती थी आपको, लेकिन यहाँ पे हमने इसको पहले वर्क डन निकाल लिया उसके अनुसार फिर इसको इससे रिलेट कर दिया. तो हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है. इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा एक सिस्टम में दैट हैज एब्जॉर्ब, जिसने 2 kcal ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क इज, और जिसने 500 जूल का वर्क भी किया है, इस कितना होगा. क्या बोला गया है, इंटरनल एनर्जी चेंज बताना एक सिस्टम में दैट हैज एब्जॉर्ब, जिसने 2 kcal ऑफ हीट को एब्जॉर्ब किया है और 500 जूल का वर्क भी किया है, तो उसमें इंटरनल चेंज कितना आएगा. देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, वही अपना आपको जो है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का यूज करना है. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू निकालना है तो यहाँ पे क्यू को अंदर लेके जाएंगे, माइनस में आ जाएगा. तो यहाँ पे आपको जिस चीज सारी चीजें आपको दे रखी है 2 × कैलोरीज में करते हैं तो 4.2 × 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस यहाँ पे हमारे पास 500 है. सोल्व करोगे 8400 में से 500 को माइनस करोगे 7900 जूल इसका आंसर आएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट है 110 जूल ऑफ हीट जो है इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम में, इतनी जूल हीट को ऐड किया गया है जिसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है 45 जूल. अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन बताना है, इसके ऊपर कितना एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो बताना है. ये वही क्वेश्चन है ऐसा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. वर्क डन निकालना है तो क्यू माइनस डेल्टा यू, 110 माइनस 40 कितना आ गया 70. बिल्कुल ईजी क्वेश्चन. Which of the following is not a thermodynamical function? कौन सा इनमें से thermodynamical function नहीं है? Correct option हमारे पास देखो enthalpy होता है, Gibbs energy. Work done हमारे पास thermodynamical function नहीं होता है, याद रखनी है चीज आपको. देखो फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फॉलो करती है 5 प्राइमरी थर्मोडायनेमिक डेफिनेशंस और डिस्क्राइब करती है किसी इंटरनल एनर्जी को, ध्यान से सुनना, इंटरनल एनर्जी को, enthalpy को, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को और गिब्स एनर्जी को. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मैंने आपको बताया था क्या आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने ये बता दिया था अलग से.
उसी दौरान दो सिलेंडर हैं ए और बी, इक्वल कैपेसिटी हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक स्टोप कोक के द्वारा, ठीक है। दो सिलेंडर हैं ए और बी, इक्वल कैपेसिटी के हैं और एक दूसरे से स्टोप कोक के द्वारा कनेक्टेड हैं। आ कंटेन्स ए जो है ए वाला ए सिलेंडर वो कंटेन करता है आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। बी जो है कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है, ठीक है। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है खाली, ये बिल्कुल खाली है। एंटायर सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है, यानी कि कोई एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी नहीं हो सकता। स्टोप कोक ही सडनली ओपन, एकदम से सडनली जो स्टोप कोक है जिससे वो दोनों कनेक्टेड थे वो खुल गया। प्रोसेस कैसा हो जाएगा ये पूछा गया है। एडियाबेटिक, यहाँ पे आपको हिंट दे दी थी भाई, क्वेश्चन में हिंट गिवन थी, थर्मली इंसुलेटेड बोल दिया था। इंसुलेटेड यानी कि एडियाबेटिक ना, थर्मली इंसुलेटेड में हीट का एक्सचेंज होता है और ना एडियाबेटिक में होता है। तो ये तो बिल्कुल देखो क्वेश्चन से ही आंसर आपका मिल गया था, अगर आपको इतना पता होता। एंटायर सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है तो नो हीट एक्सचेंज विल विद सराउंडिंग विल टेक प्लेस एंड प्रोसेस विल बी एडियाबेटिक, समझाने की भी जरूरत नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस हीट इज नीदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाय सिस्टम, कौन सा होता है, क्या मुझे बताने की जरूरत है। एडियाबेटिक बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वॉल्यूम है एक मोनोएटॉमिक गैस की वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ। क्या बोला मैंने, वॉल्यूम एक मोनोएटॉमिक गैस की, ठीक है, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, मैंने बताया था, वो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो रही है, जैसे ग्राफ में दिखा रखा होगा आगे। रेशियो जो है वर्क डन बाय गैस की, जो वर्क गैस के द्वारा वर्क डन किया गया उसकी जो रेशियो है टू द जितनी हीट उसने ऑब्जर्व किया उस रेशियो के साथ, व्हेन इट अंडरगोस, जब उसने एक चेंज अंडरगो किया स्टेट ए टू बी, इज कितना होगा। देखो सोल्व करते हैं, गैस क्या है, मोनोएटॉमिक है, सो Cp इज इक्वल टू 5/2R, ये हमारे पास होगा। गिवन प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक है, यानी कि प्रेशर कॉन्स्टेंट, यानी कि dQ इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, ऑलरेडी बात कर चुके थे हम, dQ को भाग लेंगे इज इक्वल टू एन, और यहाँ पे Cp के केस उसमें हमारे पास ये आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालते हैं, जो कि ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं डी टी। तो dW इज इक्वल टू pdV इज इक्वल टू nR dT, ये फॉर्मूला होता है। रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी, dW अपॉन dQ, dW का फॉर्मूला nR dT, dQ का अभी निकाला है n इंटू 5/2R dT, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 2/5, R से R कट गया, D से D कट गया, T से T कट गया, N से N कट गया, क्या आ जाएगा 2/5, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका, A, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आया है हमारे पास, इसका ए आया है, 2/5 का भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें दिखा रखा, तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा क्या शो कर रहा है, ये आपकी नॉलेज अब कौन से काम आएगी इस क्वेश्चन में, मैं ये बता देती हूँ। ये जो एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, मैंने आपको रिलेशन बताया था कि ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इस केस में ये कॉन्स्टेंट है, उसको उसमें उस केस में वो कॉन्स्टेंट रहेगा, और प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का ये ग्राफ है। थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तो ठीक है। प्रोसेस वन, यानी कि ये हमारे पास प्रोसेस वन है, कहाँ गया प्रोसेस वन, कहाँ है, ये रहा प्रोसेस वन, क्या होगा, ये ऐसे है, ठीक है। आइसो, ये इसमें हमारे पास ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, यानी कि ये ऐसे है, तो इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे है ना, तो यानी प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक में होता है, तो फर्स्ट का हमारे पास आ जाएगा सी। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा कौन सा आएगा, प्रोसेस सेकेंड, ये रहा, ठीक है, ये ऐसे। प्रोसेस सेकंड की अगर बात करी जाए, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे प्रेशर, यानी कि ये कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे कांस्टेंट है, ऐसे है, यानी कांस्टेंट है, ये कुछ नहीं है, यानी कि ये एडियाबेटिक होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोसेस नंबर थर्ड, इसमें क्या हो रहा है, ये प्रेशर और वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के का ये ग्राफ है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा क्या, आइसोथर्मल, और फोर्थ बच गया वो क्या होगा हमारे पास, आइसोबारिक। प्रोसेस वन हमारे पास कोरिक था, सॉरी प्रोसेस वन हमारे पास कोरिक था, कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो इसमें ये वॉल्यूम कांस्टेंट थी, प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट थी, तो ये कोरिक हो गया। ये फोर्थ वन हमारे पास जो है, एक मिनट इसको इरेज करते हैं पहले, ये हमारे पास है फोर्थ वन,
राइट यस, इसमें क्या हो रहा है, आइसोबारिक होगा, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है, ये देखो प्रेशर कांस्टेंट है राइट, और वॉल्यूम अपने इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास होगा आइसोबारिक, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। पहले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, पहले प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये आइसोकोरिक। प्रोसेस फोर्थ की अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो हेंस ये क्या होगा, आइसोबारिक हो जाएगा राइट। सो ये ऐसे ही हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक गैस जो उसको आइसोथर्मली कंप्रेस कर दिया गया, जितनी उसकी इनिशियल वॉल्यूम थी उसकी आधी जो है उसको कंप्रेस कर दिया गया। सेम गैस इज कंप्रेस सेपरेटली, सेम गैस को हमने सेपरेटली कंप्रेस किया, यानी उसको कम किया थ्रू एन एक एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा, जब तक उसकी वॉल्यूम वापिस से हाफ नहीं हो गई तब तक ऐसा किया, देन तो बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर, नहीं मोर वर्क नहीं होती, थ्रू एडियाबेटिक विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, बिल्कुल ठीक है। आइसोथर्मली, आइसोथर्मली गलत है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट थोड़ी रखना है यहाँ पे गैस की, यानी कि एडियाबेटिकली, ठीक है एडियाबेटिक प्रोसेस, ये बिल्कुल ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में ज्यादा वर्क डन की रिक्वायर्ड होती है। कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली एडियाबेटिकली दोनों में नहीं हो सकता, रिक्वायर्स मोर एनर्जी विल डिपेंड ऑन, नहीं गलत है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखो जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वो जो नेगेटिव होता है एरिया विद वॉल्यूम उसका एक्सिस का जो होता है, यानी कि एडियाबेटिक वर्क डन ऑलवेज ग्रेटर देन आइसोथर्मल, ये चीज आपको याद रख लेनी है, एडियाबेटिक वर्क डन जो है ऑलवेज ग्रेटर देन आइसोथर्मल, ये चीज याद रखोगे ठीक है, दैट्स इट, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे PYQs फिनिश हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काफी पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट मैं आपको वो चैप्टर भी समझा चुकी थी, मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें 80-85% और क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने सोल्व कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।